मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के विषय भी अलग होते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट के विषय होते हैं, कभी राज्य के विषय होते हैं। ये देश के विकास का मुद्दा, ये पार्लियामेंट के चुनाव का विषय रहेगा। और जो 50 साल में नहीं हुआ, उस 4.5-5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से रीजनेबल मेजोरिटी से चुनाव जीतेंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जो चमचमाती से हैं तो लोग आपस में भी बात करते हैं कि हिंदुस्तान के शीर्ष पदों पर वो आपको देखना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं, कोई संभावना नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अभी मुझे गंगा का काम पूरा करना है, मुझे एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल 13-14 देश में बनाने के हैं। मैं पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बनाना चाहता हूँ, चार धाम के रोड बना रहा हूँ। मैं इस काम में खुश हूँ, यही काम मुझे पूरा करना है। राहुल जी को लेकर कुछ बोलेंगे, जो कि ममता बनर्जी ने भी कह दिया, अखिलेश जी ने भी कह दिया? मुझे लगता है हमने हर समय अपनी बात कहनी चाहिए। दो रेशा है, बड़ी करनी होगी अपनी रेशा तो दूसरी की पूछने के बजाय अपनी बड़ी करनी चाहिए। अपनी पॉजिटिव बात कहना ही मुझे लगता है ज़्यादा उपयोगी। जो अपोजिशन है वो दो मुद्दे को लेकर हरदम आप लोगों को सरकार को घेरने में लगी रहती है, तो राफेल या महागठबंधन। जिस महागठबंधन का ना फिलोसफी अभी तक सामने आया है, ना फेस सामने आया है, ना फ्यूचर का कोई एजेंडा सामने आया है। देखो, महागठबंधन का अर्थ यही है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपोजिशंस एंड लिमिटेशंस। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है। ये मजबूरी से आती है, कोई भी अलायंस खुशी से नहीं होती, मजबूरी से होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बढ़ी है, उस डर के कारण अलायंस हो रही है। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, वो गले में हाथ डाल रहे हैं। उनके दोस्ती का राज हमारी ताकत बढ़ने में है। मुझे लगता है राजनीति में 2+2=4 कभी नहीं होते। ये 2019 के लिए चुनौती है सर, मानते हैं आप, क्योंकि मंच साझा करने से भी एक दूसरे पार्टी के नेता बचना चाहते हैं। देखिए, इंदिरा जी के खिलाफ बड़ी आघाड़ी बनी थी, सब पार्टियाँ एक आई थी, पर 2+2=4 नहीं हुआ, इंदिरा जी चुनाव जीत गई थी। केवल व्यक्ति विरोध के द्वारा ऐसी राजनीति करने से जनता साथ नहीं देती।